हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने किचन में आई हूँ और साथ साथ मैं मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ अपने घर पे खीर बना रही हूँ, चावल की खीर। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी चावल भिगो के रखे हुए था। तो चावल को मैंने 2 घंटे पहले ही सोख करके रख दी थी और वो अच्छे से फूल चुका था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाई कढ़ाई, उस पर 1 लीटर दूध डाल के मैं उसे थोड़े से गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब मेरा दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। तो आप इसे चलाते रहें और ताकि दूध नीचे लगे ना। तो मैं उसके साथ साथ काजू बादाम वगैरह भी जो मुझे चाहिए होगा वो निकाल के मैंने साइड में रख दिया। और जब मेरा दूध में उबाल आ चुका था तो उसके बाद मैं उसमें चावल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 किलो दूध में मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी ही चावल ली है, जिससे कि उसका टेस्ट और टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आता है। तो इसी तरह बनाएं और काफ़ी अच्छी क्रीमी खीर बन के तैयार हो जाती है। तो बस अब चावल को इस तरह छोड़े ना, चलाते चलाते रहें, जिससे कि चावल आपस में चिपकेगा नहीं और नीचे बैठेगा भी नहीं और अच्छा खीर बन के तैयार हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे कवर कर करके उसे हल्का एकदम स्लो फ्लेम पे पका रही थी। और ये देखिए कितना अच्छा सा उबाल आ गया और पूरी मलाई ऊपर में जमने लगी थी। तो फुल क्रीम दूध का यही फ़ायदा होता है कि काफ़ी गाढ़ी खीर बन के तैयार होती है। तो बस मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मेरे चावल गला है या नहीं, इसलिए कि चावल काफ़ी देर से सूख किया हुआ था तो वो अच्छे से जल्दी से पक जाता है। तो बस यहाँ पे चावल मेरा गल गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी डाली हूँ। तो चीनी आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। तो मेरे घर में थोड़ा कम ही मीठा खाया जाता है, तो उसी के मुताबिक मैंने चीनी यहाँ पे शामिल करके और इसे 5 मिनट के लिए और दम पे पकने छोड़ देंगे, ताकि इसका जो चीनी है वो भी घुल जाएगा और खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब देखिए कि आपका खीर हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया, उस टाइम आप अपना नट्स वगैरह जो भी आपको पसंद है आप वो डाल दें। तो मैंने यहाँ पे बादाम डाले काट के और उसके बाद इसे कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि मेरी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो बीच बीच में मैं यहाँ पर चलाती जा रही थी और ये देखिए कि मेरा खीर ऑलमोस्ट डन है। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया और मैं यहाँ पर गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख के थोड़ी देर ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्व किया, इससे कि गर्म खीर खाने का भी एक अपना टेस्ट होता है। तो बस मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्व आउट करके दिखा रही हूँ। उसके ऊपर से मैंने नट्स वगैरह चॉप करके डाल दिए और ये देखिए।